फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब्लिमेशन या जो स्क्रीन होता है उसमें हमको हमारा जो चुनाव करना है, जो हमें सेलेक्ट करना है कि किस प्रिंटिंग में जाना है, उसमें हमने सब्लिमेशन का पार्ट देखा था। तो आज का ये जो पार्ट है, हम ये देखेंगे कि स्क्रीन अगर हम चूज़ करते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग में, फैब्रिक प्रिंटिंग में, तो हमें इसके क्या एडवांटेज होने वाले हैं, इसकी क्या लागत आएगी हमें प्रिंटिंग के ऊपर, और इसमें किस कौन कौन से सामान हमें इसे लेने पड़ते हैं, मटेरियल कौन कौन सा लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे कम, मेरे हिसाब से सबसे कम दो हमें लागत पड़ती है हमारे टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए, अगर हम सिंगल कलर में जाते हैं तो सबसे कम जो हमें खर्चा आता है वो हमें स्क्रीन प्रिंट में ही आता है। इसका जो, हालांकि जो सेटअप, अगर आप एक मीडियम स्केल का सेटअप अपना प्रिंटिंग का करना चाहते हैं अभी इस समय 2019 में, तो आप पकड़ के चलिए कि 50 to 60,000 ये आपका एक प्रिंटिंग कॉस्ट सेटअप जो आप करना चाहते हैं उसमें इतना आपको लग जाता है। अगर थोड़ा और आप एडवांस मशीन्स अगर आप लेते हैं तो जैसा आपका बजट है वो हिसाब से आप अपना मशीन्स को बढ़ा के थोड़ा बजट आप अपना बढ़ा सकते हैं, बट मिनिमम आपको 50-60,000 रुपये इसमें लगते हैं, जो कि सभी प्रिंटिंग कोई भी सेटअप हो, चाहे वो विनाइल हो, सब्लिमेशन हो या और कोई हो, तो उसमें मिनिमम इतना तो आपको लगना ही लगना है। अगर कोई बोलता है कि जस्ट आप 15,000 का सेटअप लगा लीजिए और आपका प्रिंटिंग चालू हो गया, तो होता नहीं है दोस्तों, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आप पकड़ के चलिए 50 to 60,000 रुपीज़ आपको लगेंगे ये सेटअप करने के लिए। और सबसे कम जो खर्चा आता है हमारा टी शर्ट प्रिंटिंग में, वो आता है स्क्रीन प्रिंटिंग में। बोलेंगे कि कैसे इसका जो खर्चा है वो कम आता है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप अभी देखेंगे आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई देगा। हमारा जो इनिशियल कॉस्ट हमें होता है, जो मैंने आपको बताया 50 to 60,000 रुपीस का जो है, इसमें आप 50,000 पकड़ लीजिए, हमारा जो एसेट होते हैं, जो हमारी मशीन्स होती हैं, वो हमारा आ जाता है 10,000 का, पकड़ लीजिए कि आपका मटेरियल्स आते हैं। तो ये जो आप अभी यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन हमारे जो बनाने का जो कॉस्ट आता है, अगर रियल फैक्ट में मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये यूज़ होती है अराउंड 3 to 6 महीने, आप कैसा इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 to 6 महीने तक आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार अपनी डिज़ाइंस चेंज करें यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रीन बन जाती है 300 to 400 रुपये में, एक स्क्रीन बन जाती है। तो इसे आप 3 to 6 महीने यूज़ कर रहे हैं, आप जितनी बार भी इसको इस्तेमाल करें आपके यूज़ के ऊपर ये होता है। अब ये जो स्क्रीन हमारी वन टाइम हो गई 6 महीने के लिए, इसके ऊपर जो आप इमल्शन देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं या डिज़ाइंस देख रहे हैं जो बना हुआ है, इसमें आप क्या सोचते हैं कि कितना इसमें वो इमल्शन लगा होगा? अप्रोक्सीमेट मैं पकड़ लेता हूँ 2 to 3 रुपये का। ये 2 to 3 रुपये ये हो गए एक स्क्रीन बनाने के लिए। आपको अगर उसमें सारा मैंने मेहनत भी अगर जोड़ लिया, अगर आपकी खुद का बिजनेस है, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी वर्कर को रख के बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद कर रहे हैं, आपको खर्चा कितना पड़ेगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। 2 to 3 रुपये आप इमल्शन पकड़ लीजिए, लाइट बिल हो गया, आपने एक्सपोजिंग किया, वो सारी चीज़ें आप पकड़ लीजिए, 1 रुपया और बढ़ा लीजिए, 5 रुपया पकड़ लीजिए, 5 रुपया ये आपका जो डिज़ाइन है वो आपकी ये रेडी हो गई है आपके स्क्रीन के ऊपर। रेडी होने के बाद आपका सिर्फ यही काम होता है कि इसको अपनी मशीन्स के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ मशीन, ये देखिए ये जो मशीन है, ये मशीन के ऊपर आपको इसमें फिट करना पड़ता है। ये 4 कलर की मशीन है, इसमें आपको फिट करना पड़ता है। ये है पैलेट, यहाँ पर आपको अपना टी शर्ट है वो लगाना पड़ता है, और अपना जो आपका प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको आगे लेके जाना पड़ता है। इसमें देखिए, जैसे केमिकल मैंने बताया, ये केमिकल, ये 2 केमिकल्स हमें जो आप देख रहे हैं, जो अभी आपने पहले देखा, जो इमल्शन बनाया गया था, जो कोटिंग की गई थी, वो इन्हीं 2 सेंसिटाइज़र और इमल्शन के द्वारा उसे बनाया गया था। बनाने के बाद उसको उस पर लगाया है, तो मात्र 5 रुपये का खर्चा आप पकड़ के चलिए सब कुछ मिला के, अगर आप ये खुद बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप वर्कर विरकर रखेंगे तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा 1-2 रुपये आपको बढ़ाना पड़ेगा, बाकी आपके बिज़नेस के ऊपर है, बट आपको कितने का पड़ेगा ये वो मैं बात कर रहा हूँ। तो 5 रुपये आपने पकड़ा, आपकी ये स्क्रीन रेडी हो गई, मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ये स्क्रीन है, ये यहाँ पर हमने हमारा जो ई शब्द है इसे हमने यहाँ पे ओपन किया है, ये देखिए
ये हमने बनाया है, इसे बनाने में मात्र मेरे 5 रुपये खर्चे हुए। इसके बाद जो मेरा खर्चा है, इसके बाद भी जो मेरा खर्चा आता है वो सिर्फ उतना ही होगा कि जितना मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप ये कलर की एक रेंज देख सकते हैं, यहाँ पे कलर है, सारे चीज़ें रखी हुई हैं, कलर है, इमल्शन है, पफ है, ठीक है, HD कलर्स हैं, सारे कलर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जितने भी कलर्स आप अपना जो समझिए कि आपका 100 पीस का ऑर्डर है, तो उतना ही जो इंक है हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। ये जो ब्लॉक है उससे नीचे जाके टी शर्ट्स पे हमारे लगेगा, उतना ही हमारा खर्चा होगा रियल टाइम में। आप देखिए, उसके बाद आप अगर आपको जोड़ना है तो आप अपना जो भी है हाउस रेंट है ये सब है वो अपना जोड़ सकते हैं, पर एक्चुअल कॉस्ट जो हमें पड़ता है टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करने का वो ये पड़ेगा। इसमें आप 1 रुपये का इंक डाल लीजिए, 6 रुपया मात्र हो गया। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया कि उसमें आप अपना रेंटिंग भी जोड़ लीजिए थोड़ा सा, जो भी जैसा जो भी हिसाब किताब हो आपका, तो वो। बट अगर यही चीज़ सब्लिमेशन में होगी तो क्या होगा? अभी जैसे मुझे 100 पीस का मुझे ऑर्डर मिला है, तो 100 पीस में क्या होगा, 100 पीस में क्या होगा, मुझे 100 सब्लिमेशन पेपर्स लगेंगे, पर पेपर 3 रुपये का, यानी 300 रुपीज़ मेरे ऐसे ही हो गए। उसके बाद में ये होता है इंक प्रिंट करने के लिए इंक लगेगी, वो तो चलिए इसमें भी लगी रही है। सेकंड थिंग, प्रिंट होने के बाद मुझे हीट प्रेस देना पड़ेगा, उसे कंपलसरी हीट प्रेस देना ही देना है मुझे, जो भी उसका टेम्परेचर होता है 300 होता है या 250 आप लेते हैं जो भी फैब्रिक पे प्रिंट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको लगेगी, यानी कंटिन्यूस आपका हीटर चलेगा कंटिन्यूस 100 पीस टी शर्ट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप डिसाइड करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने गाड़ी ले ली, ठीक है गाड़ी ले लिया, पेट्रोल ही डालना, नहीं, पेट्रोल आप तो डालेंगे ही उसमें, उसके बाद तो गाड़ी का, जब गाड़ी चलती है तो टायर घसते हैं, इंश्योरेंस बनाना पड़ता है, फिर उसके क्लच प्लेटिंग होती है, तो ऐसे बहुत सारे उसमें खर्चे होते हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट प्रिंटिंग है वो मुझे देख के करना है। तो ये चीज़ मेरा जो बताने का जो मोटो था कि बहुत सवाल आते थे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग बोलते थे कि भाई मुझे कौन कौन से हमें ये इन प्रिंटिंग में से कौन सी प्रिंटिंग हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, तो उन सबको मैं सिर्फ यही तरीके से मैं सभी को समझाता हूँ, मैं वही बताता हूँ कि आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपके पास लोकेलिटी कैसी है, बिज़नेस आपको आएगा या नहीं, वहाँ पे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, और मेरी जो बजट मेरा कितना है, मैं कैसे उसे इंस्टॉल कर सकूँ अपने जो भी मेरा प्रीमाइसेस है या शॉप है वहाँ पे हम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के करनी है। स्क्रीन प्रिंटिंग में देखिए दोस्तों, अगर बहुत सारी इसमें मशीन्स लगती हैं तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने विज़िट किया है उन्हें तो ये पता ही होगा, ये जस्ट हमारा एक बैनर है, आप देख सकते हैं, ये है 4 स्टेशन 4 कलर की ये मशीन है। इसके ऊपर का देखिए, ये पूरा स्क्रीन प्रिंटिंग का किट है, इसमें आप देख सकते हैं मशीन है और एक्सपोजिंग यूनिट भी है, फिर स्क्वीजी है, फ्रेम्स हैं, ड्रायर है, फ्लैश ड्रायर है, कलर्स भी दिया हुआ है, वॉशिंग यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोजिंग यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ मटेरियल का पार्ट है, फिर यहाँ पे वापस हीट प्रेस आ जाता है, फ्लैश ड्रायर आ जाता है। तो ये सारी मतलब एक मशीन्स का पार्ट होता है, ये तो समझिए बहुत बड़ा सेटअप है। बट अगर ये मशीन्स आपको लेनी है तो दोस्तों ये मशीन बहुत ही सस्ती है, बहुत ही चीप रेट में आती है, ये आप अगर परचेस करना चाहते हैं और तो ये मशीन आपको पड़ेगी 15,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 15-25 ऐसे इसकी रेंज बढ़ते जाते हैं, जितनी बड़ी मशीन्स आप लेते जाते हैं उतनी इसकी रेंज बढ़ते जाते हैं। दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि इसके साथ में आपको हम एक फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर आ सकते हैं हमारे मुंबई ऑफिस में तो आपको फ्री में 1 डे की ट्रेनिंग मिल जाती है। अगर बाई चांस आप नहीं आ सकते हैं, बट अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो हमारे YouTube के अलावा जितने भी YouTube से मेरे वीडियोस हैं उसके अलावा हमारे पास एक सीरीज़ है स्क्रीन प्रिंटिंग की, उसे देख देख कर आप प्रैक्टिस करके आप स्क्रीन प्रिंटिंग सीख सकते हैं। स्पेशली वो मैंने बनाया है, आप जैसे जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें भी ये बिज़नेस करना है तो उसके लिए वो हमने वीडियोस बनाए हैं, उसमें यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ उसमें दी गई हैं। तो अगर वो आप नहीं आ पाते, यहाँ पे विज़िट नहीं कर पाते हैं, तो वो मशीन्स लेने के बाद आपको वो वीडियो सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसमें मैंने बताने का आपको यही उद्देश्य था कि पर प्रिंटिंग कॉस्ट आपको कितना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी भी अगर आप देखेंगे साड़ियों में जो भी कॉटन की साड़ियाँ होती हैं उसमें जो प्रिंटिंग होती है ज़्यादा करके वो स्क्रीन प्रिंटिंग ही होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग की एक खासियत ये बात होती है कि इसमें ऑल फैब्रिक्स हो जाते हैं, सारे डार्क कलर्स भी हो जाते हैं, जो कि सब्लिमेशन में नहीं हो पा रहा था। सब्लिमेशन में हम डार्क कलर नहीं कर पा रहे थे, यानी जैसे ब्लैक कलर हो गया वो हम नहीं कर पा रहे थे, जो कि इसमें हम सारे ही फैब कलर्स कर सकते हैं, चाहे वो वाइट हो, ब्लैक हो या और कोई कलर हो, सारे कलर्स इसमें हम कर पाते हैं। दूसरी चीज कि मार्केट में जो है कॉटन्स के जो भी टी शर्ट्स हैं या फैब्रिक्स हैं ज़्यादा करके लोग कॉटन ही पहनते हैं, तो क्या है 12 महीने आपको ये पूरा बिज़नेस ओपन रहता है। सब्लिमेशन में क्या होगा, सब्लिमेशन में ठीक है जहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं या जैसे मैंने बताया था कुछ स्पोर्ट्स कल्चर है उस तरफ, वहाँ पे ठीक है आपका, चलो 6 महीना 8 महीना या बारिश नहीं जे 4 महीना बारिश निकाल दो तो उस समय आपका चल रहा है। बट इसमें क्या होगा, स्क्रीन में क्या होगा, इसमें ऑल फैब्रिक होंगे, कॉटन भी होगा और जो सब्लिमेशन के टी शर्ट्स हैं ड्राई फिट्स हो गए, निर्मल नेट हो गए या पॉली कॉटन, ये सारी चीज़ें इसमें प्रिंट होंगी, सारी चीज़ें। इवन इसमें इसके ऊपर आप जो अभी बैग्स आए हैं, जो कपड़े के बैग, प्लास्टिक बैन हो चुका है तो कपड़े के जो बैग्स आए हैं वो भी आप इस पर प्रिंट कर सकते हैं, पेपर बैग आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस वाली कोई भी चीज़ आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ये मशीन की इतनी खासियत है, सिर्फ आपको कलर चेंज करने पड़ जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ और अगर मेरे से छूट गया होगा तो ज़रूर आप इसमें कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।